फतेहपुर में रेलवे कर्मचारियों ने लगाया क्षेत्रीय जेल पर शोषण का आरोप। मामला जनपद फतेहपुर के रेलवे विभाग का है, जहां कर्मचारियों ने क्षेत्रीय श्री देव शरण आए दिन कर्मचारियों को गाली गलौज व बात बात पर धमकाता रहता है। क्षेत्रीय जेल श्री देव शरण पीवे वे खागा अधीन वरिष्ठ खंड अभियंता पीवे उत्तर मध्य रेलवे खागा गैंग नंबर 32 में कार्यरत है। देव शरण क्षेत्रीय होने की वजह से आए दिन कर्मचारियों को अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहता है। कर्मचारियों को विरोध करने पर कार्य की मात्रा बढ़ा देता है, कार्य इतना बढ़ा देता है कि कर्मचारी समय से पूरा नहीं कर पाते। वही कर्मचारियों ने यह भी बताया कि देव शरण यहाँ पर 2014 से पीवी के पद पर कार्यरत हैं और बिना सुरक्षा के कार्य कराते रहते। कर्मचारियों ने शिकायती पत्र वरिष्ठ मंडल अभियंता द्वितीय उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद एवं NCRMUV सचिव उत्तर प्रदेश रेलवे इलाहाबाद को दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वही इस मौके पर मौजूद कर्मचारी सूरज सिंह मेन गेट 32 शान मोहम्मद गेट नंबर 32 संजय मौर्य क्रॉसिंग गैंगमैन खागा संदीप कुमार क्रॉसिंग गैंगमैन खागा प्रमोद कुमार गैंगमैन 31 रमेश सिंह क्रॉसिंग गैंगमैन खागा राज सिंह मेन गेट 31 नंबर धर्मराज यादव ब्लॉक कटोघान आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आपको सस्पेंड करा गया सर, शोर जबरदस्ती इनको सस्पेंड क्यों? कारण तो होगा भाई, कारण यही कि जो प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन के विषय में हम लोग बोले, उसी कारण किसने सस्पेंड कराया? ये जो प्रवीण कुमार जी जो है। अच्छा, ये प्रताड़ना आपको कब से ऐसे करा जा रहा है? आपको लगा कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? 2016 से जब हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं तभी से हमको। तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार आप क्या उम्मीद चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही उम्मीद करना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए जो है, और जेई प्रवीण के द्वारा प्रवीण के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए हमसे बात, और देव शरण के द्वारा, देव शरण के ट्रांसफर। मैं इस समय ब्लैक स्मिथ कटोघन खागा सेक्शन में कटोघन स्टेशन के अंतर्गत ब्लैक स्मिथ पोस्ट पर कार्यरत। तो किस तरह का प्रकरण हुआ आपको सस्पेंड करा गया है, कुछ क्या काम? मुझे अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, मेरे एक साथी को सस्पेंड किया गया है, मुझे बुकआउट किया गया है AN इलाहाबाद। प्रकरण ये है सर कि जब भी हम लोग अपने जेई से छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं तो छुट्टी वो लोग देने से मना कर देते हैं। क्या कारण है? अब कारण बोलते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं, आज छुट्टी नहीं देंगे, और वो अपने चहेते को छुट्टी देते हैं, अपने चहेतों को जब भी वो चाहेगा उसको छुट्टी दे देंगे, जब भी चाहेंगे अपने घर में उससे काम करवाएंगे। हमारी तीन चार बार एप्लीकेशन वापस कर दिया गया, जब हम लिखित कार्रवाई कर दिए उनके खिलाफ जो है, हमें और स्टार्च करने लगे और प्रताड़ित करने लगे कि जो है तुम नेतागिरी करते हो। जब अपनी कौन अधिकारी है जो आपको इस तरह प्रताड़ित कर रहा है? अधिकारी है हमारे कटोघन स्टेशन में श्री प्रवीण कुमार जेई जी, और कटोघन खागा में पोस्ट हैं जेई देव सर, ये दोनों लोग मिलकर प्रताड़ित कर। इस समय PWI हमारे छुट्टी चले गए हैं, पूरा होलसेल इंचार्ज जो है देव शरण जी, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पास पावर है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, जिसको जहाँ चाहूँगा वहाँ लगूँगा। इस प्रकरण के संबंध में क्या आपने अपने आला अधिकारियों से बात करी है, जब इस तरह का प्रकरण हो रहा है? आला अधिकारी से सर मिलने तो हम लोग जा नहीं पाते हैं, फिर भी हमने पत्र के माध्यम से आला अधिकारी को सूचना दे दिया। तो उस पर आला अधिकारियों का क्या कहना था? अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। लोग कहते हैं कि जांच होगी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। किस तरह चाहते हैं आप सरकार से, क्या उम्मीद है? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम तो काम करने के लिए आए ही हैं, काम जो भी आप देंगे, मैं काम नहीं करता हूँ तब आप मुझको दोषी ठहराइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, जब मेरा काम पूर्ण नहीं होता है तब आप हमको पनिशमेंट करिए तो चलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमारी छुट्टी, सरकार छुट्टी हमको देती है, छुट्टी जब हमको मिलती है तो हमारी छुट्टी जब हम अप्लीकेशन दें तो हमारा छुट्टी सेंक्शन होना चाहिए, हमको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। और जो संबंधित अधिकारी जो आपको छुट्टी नहीं दे रहा और जो जिस प्रकार से ताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो कई बार क्या चाहते हैं कि उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि उनकी कार्रवाई हो। पहली बात तो देव शरण जी जो है वहाँ के लोकल हैं खागा, वो यहाँ तक बोलते हैं, जात का यस्सी है, बोलता है कि तुम मुझसे अगर बहस करोगे मैं गांव के लड़के को बुलाकर तुमको पिटवाऊंगा, ऊपर से हर जिन तुमको लगवा कर जो है यहाँ ड्यूटी नहीं करने दूंगा। मेरा निवास पड़ता है जौनपुर इलाहाबाद के पास, इसलिए जो है लोकल होने के नाते वो और लोग उससे डरते हैं कि लोकल है मरवा देगा पिटवा देगा। एक बार ऐसे हादसा हो चुका है, ज़बरदस्ती बिना ब्लॉक के रेल में होल कराया जा रहा था, रेल मालगाड़ी से क्या कहते हैं सुपरफास्ट ट्रेन से ये ड्रिल मशीन जो है उससे होल छेदा किया जाता है, ये ट्रेन में लड़ गई, एक लड़के का फ्रैक्चर भी हो गया पैर में, लेकिन उस पर भी कोई अधिकारी आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं, 3 साल बीत गया। उसी प्रकार जबरदस्ती हम लोगों से बिना ब्लॉक के, ये प्रताड़ना जो आपने बताया कि आपको कब से प्रताड़ित, आपको हमको 2016 से प्रताड़ित किया जा रहा है, 2016 से।
यहाँ तक कि एनएच पे जो है किसी से काम नहीं कराया जाता जबरन। आप इच्छा है तो एनएच पे नेशनल हाईवे पे आप काम कर सकते हैं, नहीं आप अपना अपने हेडक्वार्टर रहिए या घर चले जाइए। एनएच की थी, मुझको रेस्ट देने के बावजूद मेरा एब्सेंट काट दिया गया। जब मैंने शिकायत रजिस्टर पर लिखा तो उसमें ये लोग जवाब लिख दिए कि रेल में और लोहार ना होने के कारण आपको एनएच स्वीकृत नहीं दिया गया, जबकि उस दिन लोहार वहाँ पे था सेक्शन, उस दिन लोहार अन्य लोहार थे काम कर रहे। चलिए आप बात करें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। मध्य प्रदेश के पलेरा में घर में सो रहे नवविवाहिता जोड़े को अचानक लगी आग, जिससे दोनों गंभीर रूप से जल गए। दो दिन पहले हुई थी शादी। गंभीर हालत में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 की मदद से कराया गया भर्ती। वहीं देर रात की घटना बताई जा रही है, जिनको इलाज के बाद जिला रेफर कर दिया गया। ग्राम सिमरा के चैनपुरा खिरका की घटना। सिमरा खुद के चैनपुरा सिरका का है, जहाँ पर दो दिन पहले नरेंद्र आदिवासी उम्र 20 वर्ष सन ऑफ बुद्ध श्री भगवान दास आदिवासी पत्नी चांदनी आदिवासी घर में सो रहे थे कि तभी अचानक घर में जल रही लालटेन नीचे गिर गई, जिससे घर में सो रहे नरेंद्र आदिवासी जल गए। उनको देख पत्नी चांदनी आग बुझाने लगी, जिससे वह भी गंभीर रूप से जल गई, जिनको 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा लाया, जहां उनको इलाज के बाद जिला टीकमगढ़ रेफर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? लवी आदिवासी। कौन से गाँव के हो? सिमरा गाँव। ये घटना कैसी हुई? कौन कौन था इनके साथ? ग्राम चैनपुरा सिमरा के पास जो है उस गाँव में इन लोगों ने बताया है कि रात के उस टाइम पे डिब्बी जल रही थी घर में, तो चूहे ने गिरा दी थी, उससे जलना बताया गया। कितने बजे की घटना बताई? ये लगभग 10:30 बजे की घटना बताई, रात में बताई। कितने परसेंट जल रहा? अभी दोनों की परसेंटेज अलग अलग है, 25-30% दोनों जले हुए हैं। रेफर किया गया जी, इसे हमने टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहिद निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। भारत की विविधताओं से भरा सर्वधर्म संभाव की संस्कृति वाला एक अद्वितीय देश, जिसकी गंगा जमुनी तहजीब पूरे विश्व में एक अनोखी पहचान रखती है। वही भारत की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जी हां, भारत का वह किसान जो देश को प्रगति के पथ पर गतिशील करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वही बदलते दौर में जहां एक और नई नई तकनीकी और आधुनिकीकरण ने देश में डेरा डाला है, वही किसानों की फसलों में भी इस आधुनिकीकरण को देखा जा सकता है। वही आज जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से फसलें व भूमि प्रभावित होती नजर आ रही, जहां एक और भूमि की गिरती और व्यक्ति को वापस लाने के लिए सरकारी कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करने की बात करती है, जिससे वातावरण व हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो सके, जिसके लिए समय समय पर सरकार प्रयत्नशील रहती है। देश के किसान की हालत को सुधारते हुए केंद्र व राज्य सरकार ने समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के स्तर को उठाने का काम करती है, पर यहां योजनाएं किस हद तक किसानों के लिए कारगर सिद्ध होती है यह एक सोचने वाली बात है। जहां सरकारें एक और विकास का दम भरती नजर आती है, तो वहीं जमीनी स्तर पर यह विकास खोखला नजर आता है। आपको बता दें कि यह ताजा मामला नेवलापुर ब्लॉक तिलियानी का है, जहां पर रेलवे कर्मचारी द्वारा एक प्रोजेक्ट के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जहां मानकों को दरकिनार करके तालाब सुंदरीकरण के नाम पर मिट्टी का अवैध खनन किया गया, बल्कि कृषकों की अपनी जमीन को भी तालाब की बलि देवी पर अर्पित कर दिया गया। वही मामले की संज्ञान में लेते हुए जब हमारी टीम ने संबंधित विभाग के ग्राम प्रधान से लेकर लेखपाल तक इस प्रकरण की जानकारी लेनी चाहिए, तो सभी ने आला अधिकारियों की बात करते हुए बात टाल दी। जहां एक और किसान को इतना सम्मान दिया जाता है, उसे चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं, तो आखिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वहीं अवैध खनन के मामले में जहां एक और 5 फीट खुदाई के बाद ग्राम प्रधान ने कही, देखने पर वास्तविकता कुछ और थी। खुदाई से 25 से 30 फीट की जा चुकी थी, और अभी सोचने वाली बात यह है कि यह खुदाई शासन और प्रशासन आला अधिकारियों के संज्ञान में हो रही है, फिर भी किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? वहीं जहां एक किसान का खेत तालाब की भेंट चढ़ गया, तो फिर यह कैसी न्याय व्यवस्था है, जो सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली की तरह काम करती नजर आ रहे हैं। वही खनन विभाग के अधिकारी सौरभ गुप्ता नेहा से बात करते हुए कहा कि इस संबंध में उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी होने नहीं है,
अगर इस संबंध में उन्हें जानकारी होती तो बेशक दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों को न्याय मिलता है या फिर आश्वासन सरकार और किसान की इस अनोखी लड़ाई में। देखते हैं किसकी जीत होती है, सरकार या फिर देश के निर्माता बेबस लाचार मेहनत कश किसान की। जगह है ये, क्या हो रहा है? ये बनवा तालाब है। तालाब कौन सा जगह है? गाँव कौन सा? कुढ़ाई। कुढ़ाई गाँव की तालाब है। तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया चल रही है? तालाब खोदा जा रहा। क्या माना समझे? मानक हमने मौखिक में दिया था केवल भीटा, वो पूरे में 40,000 घन मीटर का मतलब परमिशन लिए लिए हो या ना लिए हो। आपको लेटर देखना चाहिए, आपकी जवाबदारी थी, सही थी। इसके बाद में जो है हम एक महीना सवा महीना पहले डीएम साहब से शिकायत किए, तहसीलदार से भी शिकायत किए। अधिकारियों का क्या रुझान था? कितने महीने से यह चल रहा है? उन्होंने कहा कि जाँच करा करके दोषी होंगे तो उनको दंडित किया जाए। लमसम खुदाई कितने महीने से चालू है? दो ढाई महीने हो गए। क्या? दो ढाई महीने से आपकी प्रक्रिया चालू। तो आपने एप्लीकेशन डीएम साहब को कब दिया? हम एक महीने पहले सब। जब आपके 31 तारीख को हमने दिया। 31 तारीख को। तो जब 31 तारीख को क्या देख के आपने एप्लीकेशन दिया? हमको गहरा समझ में आ रहा था। गहरा कितनी गहराई खुद गए थे? लगभग 15 फीट गहराई खुद की, तब आपको समझ में आया, तब आपने एप्लीकेशन दिया, तब दिया आपने। तो मतलब फिर गहराई खोदने के मतलब कितना घन मीटर निकल चुका होगा? अब ये तो मानक मतलब केवल आपके पास मतलब जे ही लोग बताएंगे। अब नाप जोक का काम हमारा थोड़ी। अच्छा, अनुमान बता सकते हैं? अनुमान में भी नहीं बता सकते। अच्छा, बताइए अगर यहाँ पे इतनी से मतलब की खुदाई हो रही थी, अब आपको लगे कि यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो आपने अधिकारी को डीएम साहब को दिया है एप्लीकेशन, तो उस पर क्या कर? सर जो डेवलप है उसमें जो अवैध तरीके से मिट्टी का जो मानकहीन तरीके से खुदाई की गई, उस संबंध में आप क्या? देखिए तालाब का जो जहाँ तक सवाल है, वहाँ गहराई के हिसाब से कोई नियम नहीं दिया गया है, और गहराई के हिसाब से समुद्र के हिसाब से दिया गया है। और गवर्नमेंट का ही स्कीम उसी तहत काम हो रहा है, हमारा स्कीम नहीं है, जनहित के दृष्टिकोण से दिया गया है। जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा, जहाँ ग्रामीणों का सवाल है कि वो शिकायत हमको दे, हम उसकी जांच कराएंगे किसी के माध्यम से भी, उनकी जमीन को वहाँ क्षति क्या होगी उसके हिसाब से। TV1 India न्यूज़ के लिए पंकज पटेल के साथ संदीप की रिपोर्ट, फतेहपुर। जनपद हरदोई में बारातियों ने 100 नंबर पुलिस को दौड़ाकर पीटा। नया गांव में मकान से आई बारात में बारातियों द्वारा 100 नंबर पुलिस को जमकर पीटा गया, जिसमें मलिहा मऊ विकासखंड सुरक्षा रामकरण यादव की बेटी की शादी में बारातियों ने जमकर किया हुड़दंग। TV1 India न्यूज़ के लिए सुधीर शुक्ला के साथ आशाराम की रिपोर्ट, हरदोई।